चमत्कार नहीं हो। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। कौन हो? चमत्कार नहीं, एक मिनट में रोटी बना देती हूँ, एक मिनट में चाय बना देती हूँ, चमत्कार से कम नहीं हो आप। लेडीज आप चमत्कार से कम नहीं हो, लेकिन आपने जो परिश्रम किया है, आपका पति यहाँ पर आपका उसका फल नहीं देने वाला, लेकिन जो आप यहाँ परिश्रम करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह में होकर करेंगे, आज रात परिश्रम का फल आने वाला चर्च, आने वाला चर्च। आप चिंता न करो, डरो मत, परमेश्वर कह रहा डरो मत, बाइबल पढ़ता रहे, प्रार्थना करता रहे, फिर भी जाता रहे, जासूस समाचार सुनाता रहे। एक पादरी मेरे पास आता था और वो बोलता था कि पास्टर, कह रहा कि मैं 14 साल से कह रहा सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन तेरे को मैंने देखा 2 साल से, कह रहा कि तेरे ऊपर ऐसा क्या है, कह रहा तेरे ऊपर ऐसा क्या है। मैंने कहा भाई मेरी बात को समझना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, कुछ मिले ना मिले लेकिन फिर भी जा। मैंने उसको अपना सीक्रेट बताया। मैंने कहा जब मैं संडे प्रचार करता हूँ, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं घर नहीं बैठता, मैं एक नाम वाला व्यक्ति भी हूँ, लेकिन मैं आज भी चुपचाप अपनी गली के मोड़ पर चला जाता हूँ बाइबल के लिटरेचर लेकर और मुंह पर रुमाल बांधकर। अब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, ये वायरस की वजह से मास्क लगा के, क्योंकि पहले लोग मुझे पहचान लेते थे, रुमाल लगाना पड़ता था, अब कोई पहचानता भी नहीं, अब तो मास्क वैसे ही है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं मास्क लगाकर टोपी पहनकर लोगों को सुसमाचार आज भी बांटता हूँ। ये मेरी प्रमोशन का राज है, याद रखना, मेरी मेहनत का फल है, ये मेरी मेहनत का फल है कि परमेश्वर मेरे से बातें करता है, परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को चंगा करता है। मैं कह रहा हूँ कि इस बात को उसने समझा, और मैं बता रहा हूँ कि आज उस मास्टर का भी करनाल में बहुत बड़ा चर्च है, मेरा परमेश्वर है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके मेहनत का फल देगा। अगर आपने किसी को गवाही दी है, किसी के गेट पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका कुछ भी किया हुआ यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। एक औरत आई और वो बोलती, गरीब पास्टर अब तक 5 लाख रुपए दे चुकी तेरे चर्च में। मैंने कहा बता रही के सुना रही? बोलती सुना रही है। मैंने कहा सुना नहीं रही है, तू जला भी रही है, भुना भी रही है मुझे। बोलती है पास्टर देख लो 5 लाख रुपए वो भी दिए मैंने अब तक, लेकिन मेरे मुंडे की अब तक पीआर नहीं आई। मैंने कहा पैसे दे के पीआर आती है क्या? परिश्रम कर, घुटने टेक, परमेश्वर काम करने वाला है। बोलती है करी कि हाँ करी, लेकिन मैं फिर भी परिश्रम करती रहूंगी। मैंने उसको थोड़ा डांटा, लेकिन मैंने सोचा नाराज हो जाएगी और चली जाएगी, लेकिन वो फिर भी अगले साल फिर आई, फिर बीज बोया, फिर हफ्ते बीज बोया, हर हफ्ते बीज बोती अच्छा, लेकिन पवित्र आत्मा ने सच में उसकी सुना, उसके लड़के की साल में पीआर आ गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 2020 में आई थी उसकी पीआर अगस्त में। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आपका कुछ भी किया हुआ, परमेश्वर में मेहनत किया हुआ, आपका फल आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको फल नहीं मिला, आज मैं दिलाऊंगा। देखो बाइबल कह रही है मैं दिलाऊंगा फल, आपका प्रभु चमत्कार करने वाला है। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य है 14:13 देखो जल्दी से और निकालो इस वचन को, याद रखना, ये सारी जिंदगी आपके काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा ये वचन। मैं कह रहा हूँ कि निकालो, और जो बूढ़े लोग हैं इनको दे देना वचन। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग बुढ़ापे में से बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कितने लोग जानते हैं कि मैं चमत्कार करने वाला बंदा हूँ? जानते हैं कि नहीं है? घमंड की बात नहीं है, बोलो मैं चमत्कार करने वाला हूँ। आज से बोलो चमत्कार मेरे अंदर है, चमत्कारी हूँ मैं, बोलो चमत्कारी हूँ मैं। परमेश्वर आपके अंदर चमत्कार कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि वो आज मुझे यही बात कही प्रभु ने, कह रहा इनको बोल दे अब मैं इनको चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, कह रहा मैं चमत्कार इन्हीं के मुंह से करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप भी कर सकते हो चमत्कार, आपके अंदर दम होना चाहिए। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप, देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ चमत्कारी ढंग से पैदा हुआ कि नहीं? यस। अरे जब वो जी उठा चमत्कारी ढंग से उठा कि नहीं? यस। तो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह नासरी है, वही चमत्कार करने वाला आज आपके अंदर बैठ गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज जितने लोग वचन को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो, तो परमेश्वर आज से मैं कि पवित्र आत्मा तेरे वचन में परिश्रम किया करूंगा, मैं घंटा 2 घंटा पढ़ा करूंगा, मैं परमेश्वर प्रार्थना करने में परिश्रम करूंगा, ओ मैं घंटा 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा ऑफिस में, घर में, चर्च में, बाहर मैं लोगों को गवाहियां दूंगा, लोगों को तेरे पास लाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे परिश्रम को देखूंगा और तेरे कानों में आवाज डालूंगा कि परमेश्वर इस साल में तेरे परिश्रम का फल तुझे देगा, तेरी गोद में लौटाएगा, तेरे घर में आएगा,
आमीन बोलने वाले के लिए आएगा, आमीन आपकी गोद में आएगा, आमीन। याद रखना उस रात मैं भी सोच रहा था कितने दुख उठाए मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन मैं सोच सकता था कि शायद परमेश्वर देखता नहीं है, लेकिन मैं भागा नहीं, मैं खड़ा रहा, अड़ा रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप पेड़ की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी गोद में आपका फल गिराने वाला है, आपकी गोद में आने वाला डायरेक्ट, स्वर्ग से आने वाला डायरेक्ट। विश्वास करने वालों के लिए होगा ये, अगर आप विश्वास नहीं करते, मेहनत नहीं करते, परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा। बेशक आज आपने पढ़ाई करने में मेहनत किया हो, आप फेल हो गए हो, आपने मेहनत किया किसी बिजनेस में, आप फेल हो गए हो। मैं कह रहा हूँ कि आपने मेहनत किया, रंग नहीं आया, लेकिन याद रखना यीशु मसीह में प्रार्थना करने वालों की एक भी मेहनत फेल नहीं होगी आज के बाद। आज के बाद ये मेरे बोलते ही आपके ऊपर मिराकल होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। पढ़े पढ़े, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ पर काशी वाक्य भविष्यवाणी करके लिखा, कहा करा के सुन, करे परमेश्वर क्या कहता है, करे के अब से जितने मुर्दे करे प्रभु में होकर मरते हैं, अगर करे के उनको इस धरती पर किसी ने की पीठ थपाई थपाई है या नहीं थपाई है, हो सकता है कि आज करे के आपने इतनी मेहनत की हो, आपने बहुत लोगों की मदद की हो, आपने बहुत लोगों का भला किया हो, लेकिन एक ने भी आपको शाबाशी नहीं दिया। याद रखना, अगर आपने परिश्रम किया है आज से, अगर आज आपका फैसला सच्चा है पवित्रताई में चलने का, तो मेरा परमेश्वर इस साल में तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला है, वो शाबाशी देने वाला है, आपके जीवन में काम करने वाला है। वो इस साल में किसी को नौकरी देकर उसकी पीठ थपथपाएगा, वो इस साल में किसी को घर देकर उसकी पीठ थपथपाएगा, तो पीआर देकर उसकी पीठ थपथपाएगा, वो शाबाशी देने वाला है चार। आमेन। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लिखा मुर्दे जितने प्रभु में होकर मरते थे, याद रखना करा कि अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला करा, लेकिन जितने भी करा परिश्रम को ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करा विश्राम पाना चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, करा जब तुम मेरी गोद में आओगे तुम्हें उस फल का पता लग जाएगा। बोलता है मैं फल दूंगा। याद रखना आपका यहाँ बोलना, संडे चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, एक भी फल आपका, एक भी परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। आज से मेरा परमेश्वर आज कह रहा है, वादा कर रहा है, अगर आज आपके पति ने आपकी पीठ थपथपाई नहीं है, अगर आज आपकी पत्नी ने आपकी तारीफ नहीं की है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज किसी ने भी आपके दोस्तों ने आपकी पीठ नहीं थपथपाई, हो सकता है कि पास्टर ने आपकी पीठ थपथपाई हो, आपको शाबाशी ना दी हो, लेकिन मेरा खुदा इस साल के अंदर तुम्हारी पीठ को थपथपाने वाला है, शाबाशी देने वाला है। जितने लोग आज ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना किया करूंगा, आज अपने हाथों को उठाओ, वो ऐसे लोगों के कानों में आवाज लगा रहा है मेरे द्वारा, वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सोन, यिर्मयाह 31 के 16 को में से आवाज आ रही है, इस वचन में से आवाज आ रही है, यहोवा यूं कहता है, मत रो, मत रो, अपने रोने पीटने को बंद कर, तेरा के सोन तेरे परिश्रम का फल आने वाला है, तेरी प्रार्थनाओं को मैंने देखा है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज ऐसे लोगों के लिए जो मुझे लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा अगर आज जो लोग इस समय यहाँ बैठे हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर अगर आज ये चिंता में है, निराशा में है, अगर आज ये समस्या में है, अगर बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर इतनी दुआएं की अब तक फल नहीं आया, मेरे परमेश्वर आज रात मेरी विनती को सुन लेना, ऐ मेरे खुदा आज परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन लेना, आज रात इन लोगों के ऊपर आज पर प्रतिफल को उतार दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज रात इन लोगों के घर में आज वो फल आने पाए मेरे पिता, इस साल में वो फल आने पाए, इस साल में वो मिराकल को देखने पाए, इस साल में ये चंगाई को लेने पाए परमेश्वर, इस साल में वो खर्चे उतरने पाए, इस साल में इनके बैंक बैलेंस डबल होने पाए मेरे परमेश्वर, इस साल में पवित्रताई में भरने पाए, इस साल में ये परमेश्वर के दर्शन को देखने पाए, इस साल में भविष्यवाणियां करने पाए, इस साल में ये बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग आने पाए, बड़े बड़े आश्चर्य काम होने पाए, बड़े बड़े आश्चर्य काम अनॉइंटिंग सामर्थ्य नाम में उतर आए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज पवित्र आत्मा तूने बहुत लोगों के जीवन में काम किया है,
मेरे पिता ये वचन आज परमेश्वर जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पापा मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगी, मैं आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ूंगी, परमेश्वर तूने मुझे आज रात बातें की मेरे से, आज सुबह भी 2 बजे तूने मेरे से बात किया और तूने कहा मेरे बेटे आज लोगों को मैसेज दे देना, नाराज होकर तेरा नरक में जाओगे, लेकिन अगर आज तुम सच में परमेश्वर के सामने दुख उठाने के बाद भी धन्यवाद कर रहे हो, दुख उठाने के बाद भी प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज इनसे जाकर कह देना कि तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारी गोद में आएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इनकी गोद में फैलाए, जो मुझे लाइव देख रहे हैं इनकी गोद में फैलाए, इनकी ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अभी इसी समय मिराकल होने पाए, अपने बच्चों की चिंता में इसी समय वो चिंताएं खत्म होने पाए, इसी समय जिनकी शादियां नहीं हो रही इसी समय शादियां होने पाए, पवित्र आत्मा जिनका फल आने पाए, जो भी कोई रुकावटें आए आज जय पार यीशु मसीह के नाम में, हर एक गंदी आत्मा जय पार यीशु मसीह के नाम में, हर जादू टोनमेंट के बिजनेस से जाए, घर से जाए, हर एक शराब जाए, हर बंधन टूटे और आजाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर ये लोग विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज ये अपना प्रतिफल लेकर जाएंगे यहाँ से, मैं विश्वास कर रहा हूँ ये अपना प्रतिफल लेकर जाएंगे, आज आमीन बोलने वाले फैसला लेने वाले यूसुफ ने जैसे परमेश्वर दुख उठाया लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मेरे पिता तूने चमत्कार करके दिखाया मेरे लोगों को, आज इन लोगों को परमेश्वर चमत्कार करके दिखा, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तू चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं खुद चमत्कार करूंगा, बोलो मैं एक चमत्कार हूँ, बोलो मैं चमत्कार हूँ, बोलो हालेलुया हालेलुया। सब अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर आज से जिन लोगों ने इस वचन को सुना है और माना है कि चाहे दुख आए बीमारी आए समस्या आए लेकिन परमेश्वर मैं तुझे कभी दोष नहीं दूंगा, नाराज नहीं होऊंगा, मैं प्रभु मेहनत करता चला जाऊंगा, परिश्रम करता चला जाऊंगा तुझ में होकर और विश्वास करता चला जाऊंगा, एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे परिश्रम का फल मुझे देने वाला है। तूने यूसुफ को ऐसा परिश्रम का फल दिया कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर, चमत्कार कर दिया, वो कुएं में एक कपड़े में आया था परमेश्वर, एक गरीब घर का लड़का, एक कोट पैंट पहनने वाला लड़का परमेश्वर, एक मांग कर कपड़े पहनने वाला लड़का सच में वो प्रधानमंत्री बन गया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि इनके बच्चे आज रात से बड़े बड़े प्रमोशन को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अगर इनकी मेहनत का फल अच्छा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका फ्यूचर बन जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है 3 महीने के अंदर तुम्हारा फल आने वाला यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, बैठ जाओ 2 मिनट शांत हो जाओ, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक व्हाइट कबूतर दिखाया और कहा कि इन लोगों को बोल कि जो अपने बच्चों की और अपनी फ्यूचर की चिंता में है कि मैं शादी नहीं करूंगा, पहले मैं फ्यूचर बनाऊंगा, पहले मैं ये काम करूंगा फिर आऊंगा, और जो माँ बाप चिंता कर रहे हैं फ्यूचर की, परमेश्वर ने मुझे कहा 3रा महीना स्टार्ट होगा आपके परिश्रम का फल आने का, आमीन। ये 3 महीने के अंदर परमेश्वर आपको परिश्रम का फल देगा, आमीन। आपके घुटने टिकने चाहिए, आपके हाथ उठने चाहिए, आप मत देखो मेरे घर का आदमी मेरे साथ बैठता नहीं बैठता, परिवार के लोग बैठते नहीं बैठते, लेकिन अगर आपका फैसला सच्चा है मैं कह रहा हूँ ये जून जुलाई का महीना आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के, आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था एक कबूतर उतरा एक लेडीज के ऊपर और मैं से देख रहा था उसके हाथ में मैंने एक हॉकी देखी, हॉकी कोई हॉकी लेके बैठी यहाँ पर लेडीज, कोई हॉकी है हॉकी 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 बोल दे खेलने वाली हॉकी कुछ ऐसा किसी के हाथ में ऐसा, यस यस कम हियर जोर से ताड़ी बजाएंगे, आओ आओ शाबाश, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है कि नहीं चर्च, आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी आज, मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय चमत्कार का दिन है, अपने हाथों को उठाओ बोलो आज चमत्कार होगा चर्च, मैं क्या कह रहा हूँ बोलो आज चमत्कार का दिन है,
बोलो मैं अपने चमत्कार को लेकर जाऊंगा। हाथ उठाओ और ऊपर देखो, बोलो मेरा चमत्कार दे दे मेरे पापा, नहीं तो मैं खोस लूंगा आज। बोलो खोस लूंगा आज मैं, छीन लो भाई। बोलती है पहलवान उसे छीन लेते हैं, पहलवान को छीनना पड़ता है। बाइबल पढ़ने में पहलवान बनो, प्रार्थना करने में पहलवान बनो। जो पहलवान बन जाते हैं बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने में, परमेश्वर से छीन लेंगे आज वो अपनी आशीषों को। आमीन। छीन लो आज आशीषों को। आमीन। वो कह रहा है छीन लो, जाओ छीनो। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग ऊपर से आशीष लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ ऊपर जो आप मांग रहे हैं वो ऊपर घूम रहे हैं आशीष देने वाला। आज हम अपनी काइट काइट को उड़ाते कि नहीं उड़ाते? पहले लो सारे काइट उड़ाएंगे। लो 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 काइट उड़ाओ, ऐसे करो, चलो ऊपर करो, चलो ऊपर करो, काइट जा रही है ऊपर। ढील दो पहले, ढील दो। सुनो, काइट को क्या करते हैं, काइट को पहले ऐसे करो, ऐसे उड़ाई ऊपर, अब ढील दो थोड़ी, ढील दो, जाने दो ऊपर, जाने दो ऊपर, जाने दो। ये ढील का मतलब क्या है, सुन रहे हो ढील का मतलब क्या है? बीज बोरे हो, सुन रहे हो कि नहीं? आप बीज बो रहे हो। ओए अभी नहीं करना, अभी नीचे नहीं उतारनी काइट, अभी बीज बो। चलो, खूब ऊपर। जितना आप बीज बोगे, जितना ढील छोड़ोगे, अपने पर्स को ढीला कहा ले आए, काइट ले आए। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने काइट मंगाई थी, कौन कौन लाए हो? इधर दिखा गाइड, इधर दिखा। शाबाश, सच्ची की गाइड ले आए। बड़े सारे लोग ले आए, मैंने तो मजाक किया था, तुम सच्ची में ले आए। इसकी अरे इसकी वो कहा है, रस्सी कहा है? इसकी रस्सी है, लेके आ रस्सी, लेके आ डोरी वाली। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को आज तक गाइड नहीं उड़ानी आती, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो आप जब इस, अबे चल दिखा इधर। सारे बोले हालेलुया। अभी देखो ये काइट जो है कह रहा बहुत ऊपर जाती है, जब इसको जितना ढील छोड़ोगे ऊपर जाएगी। जाएगी कि नहीं? इसका मतलब ये है, जब आप काइट को ढीला छोड़ रहे हो तो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं? छोड़ो। इसका मतलब जब आप अपनी जेब ढीली करते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दान डालते हैं, दशवान डालते हैं, भेंट डालते हैं, बैठ जाओ कोई नहीं, वो क्या करती है? वो और ऊंचाई पर जाती है। आपका बीज आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है चर्च। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप थोड़ा क्या करो, अब उतारने की बारी है। उतारो। बोलो आ जा। बोलो उतार लो। पांच करोड़ का बंगला उतार लो। उतारो। आ रहा है कि नहीं? कार उतार लो, पीआर उतार लो, अच्छा उतार लो। क्या कह रहा हूँ, जो मांग रहे हो ले लो, विश्वास से ले लो।